आज हम सिकंदर पाजी का एक बड़ा कारनामा दिखाते हैं आप सबको, या क्या क्या टैलेंट है इनके अंदर और क्या क्या इनमें स्किल्स हैं। नहीं, आसिफ के अंदर बहुत टैलेंट है। What's up guys, this is आसिफ जाफरी and you're watching On The Go with जाफरी। मैं आज मौजूद हूँ डबलिन में और मेरे साथ हैं लवदीप। हेलो लवदीप, हाउ आर यू मैन? यू ओके? गुड गुड गुड। हम कहाँ जा रहे हैं लवदीप? जो मैं आज चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे आप घूमने फिरने जाते हैं तो आइलैंड में ये होता है कि आप कभी गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाज़ में। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। पहली दफ़ा छोटे जहाज़ में मैं बैठूंगा और पायलट वो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे लिए रोल मॉडल हैं वो, बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इंसान, सिकंदर सिंह मोही। अभी हम अंदर जाएंगे और फिर जहाज़ में बैठेंगे, लेकिन मसला ये कि मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। इतने छोटे जहाज़ में मैं कभी बैठा नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कि यार कैसा लगेगा उसके अंदर बैठ के। तो कोई मसला नहीं, आ जाए मेरे साथ। बिल्कुल मेरी नज़रों से देखें आप सिकंदर पाजी। सिकंदर पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, कैसे ठीक है? ठीक ठाक, मजे में। छोटा सा हमारा जहाज है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत जहाज है आपका। शेल पाजी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? यू आर राइट क्लब सर। आज हम कैसे कौन चलाएगा जहाज? जाते हुए शेल पाजी चलाएंगे, आते वक्त मैं चलाऊंगा। हम लोग अभी शुरू जा रहे हैं, दोनों कंपिटेंट हैं बट लेकिन ऐसा है कि मैंने कहा मैं चला लेता हूँ जाते हुए। सही सही सही, आते हुए सिकंदर। अजी कोई इमरजेंसी ब्रेक श्रेक होता है ना अंदर? हाँ हाँ, वो है, आपको बस खिड़की खोलनी है। खिड़की उसके प्रोसीजर होते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आप फील्ड देखिए लैंड कर सके, भागने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बीवियों को याद करते रहे आप लैंड नहीं करोगे, आप बच जाओगे। नहीं नहीं, गुड। ये शील बहुत अच्छा फ्लाई करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। और क्या मेहनत की इन्होंने, इज डन CPL, मैंने PPL किया हुआ है। और मतलब हमारी कोशिश यही कि आपको एक्सपीरियंस दिलाएं कि फ्लाइंग कैसे है, और प्लस आपको मोटिवेट करें कि आप फ्लाई कर सकते हो फ्यूचर में। ये हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम मिले, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों को प्लेन उड़ाना सिखाएंगे। सही सही, ये हमारी कोशिश। वो डेफिनेटली सिखाएंगे, वो तो टीचर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बाकी विल फ्लाई। प्लेन में कोई भी चीज मतलब आज जिस देखना है एक्सटर्नली तो हमने हर चीज चेक कर ली है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद मतलब जैसे प्रॉप है, प्रॉप में चेक करना है, ये कोई क्रैक्स तो है नहीं, नोज व्हील है, नोज व्हील से देखना है ऑयल लीकेज तो नहीं है। ठीक है, कोई ऑयल लीकेज या कोई भी अदर चीज़ हो गए। ठीक है, टायर प्रेशर ठीक होने चाहिए इन थोड़े। ठीक है, फिर यहाँ आना है, यहाँ आके हमने इसका ऑयल चेक करना है कि ऑयल एक दरमियान तो थले नहीं होना चाहिए, है वो पूरा स्टिक है, देखो ये नंबर 6 तक होना चाहिए। लेकिन आपने ये चीज़ें पहले करनी है, ये सारी चीज़ें पहले करनी है तुम्हें सर। उस तो बाद किसी इतना देखा है कोई भी चीज़ आपको लग रही हुई क्रैक के सामने या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रही हुई कि सही नहीं है, तो आपने चेक करना है। ठीक है, आपने ये इलाके देखा, ये इलाके देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कोई नट या कोई पेच ढीला नहीं है। पंजाबी से क्या है, पंजाबी कोई मसला नहीं, सब समझते हैं पंजाबी। और ये फ्लैप्स है, ये फ्लैप्स नहीं, इन्हें बेसिकली एयर ब्रेक्स टाइप होते हैं। ठीक है, तो हाँ हूँ फील अपना ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्रेशर ठीक है, ये बाकी एलिवेटर है, ये एलिवेटर कहते हैं, तो ये थोड़ा उपर थले करवा से जहाज नहीं, जहाज में एलिवेटर कहते हैं। तो ये ठिप्पर है, कोई भी प्लेन चलाने वास्ते ठिप्पर में चलाना जरूरी है। सही, ठीक है, इसमें कोई भी जैसे जिम्मे इंडिया पंजाब से कहने मरुति चला ली है ना, जिन्हें मरुति चला ली या जिन्हें गेयर वाली गड्डी चला ली, वो कोई भी चला सकता है, बीमर से या किसी भी। हूँ आप पिटॉट ट्यूब है, ठीक है, ये एयर प्रेशर मेंट करती है ना। ठीक है ना, जिन्हें एयर प्रेशर है, स्पीड या हाँ स्टैटिक
ਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆਹ ਸਟਾਲ ਵਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਲ ਵਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੀਪ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਸਪੀਡ ਗੇਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਏਅਰ ਸਪੀਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਏਅਰ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚੀਏ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਸਟਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕਮ ਹੇਅਰ ये होता है थ्रॉटल ठीक है ये जैसे एक्सेलेटर जिसको हम कहते हैं ठीक है और इनू आप फुल अंदर करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और इसको बाहर निकालेंगे तो स्पीड कम होगी ठीक है ना मतलब आपकी जो इंजन का स्पीड है ठीक है इसके और ये होता है स्टिंक योग इसको योग भी बोलते हैं ये लेफ्ट के लिए और राइट के लिए ये दोनों क्यों मूव हो रहे हैं मतलब हाँ क्योंकि आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं आप दोनों कोई बंदा मतलब दो बंदा अगर आपके साथ में कोई सीख रहा है इंस्ट्रक्टर फ्लाई कर रहा है आपके साथ वो आपको सिखा सकता है और बाकी सबसे ज़रूरी होता है ये मिक्सचर ये जैसे जैसे हम लोग आपने तुम स्कूटर चलाए होने ने अपने सारे ने अपने देखे होने रिजर्व लाते सी आप याद है ना पेट्रोल ज़्यादा ये बेसिकली वो है वो आप नहीं कह सकते लेकिन मिक्सचर है इसको आपने अंदर कर देंगे तो आपका फुल फ्यूल है आप हवा में जाके हवा के हिसाब से इसको आप फ्यूल को कम ज़्यादा कर सकते हैं एयर के हिसाब से और ये हमारा बेसिकली एयर स्पीड का मीटर है देखिए आपकी 40 की अगर 40 नॉट्स की अगर एयर स्पीड से नीचे जाएंगे तो आप स्टॉल करेंगे तो आपकी ये ग्रीन रेंज में होनी चाहिए ग्रीन रेंज में होनी चाहिए मतलब आपकी लैंडिंग बेसिकली 55 नॉट्स में होती है ये होराइजन है ये आपको दिखता है और ये आपका हाइट बताते हैं आपकी ठीक है तो बाकी हम फ्लाई करते हुए बताएंगे आपको ठीक है भैया ये ट्रिप होने वाला है बहुत ख़तरनाक किस्म का छोटा सा जहाज़ है चार बंदे बैठ सकते हैं ज़बरदस्त है सिकंदर पाजी और उनके साथ भाई हैं वो फ्लाई करेंगे अभी जाते वक्त बस ये एक आपको नज़ारे दिखाएंगे इस जहाज़ से आइलैंड को देखेंगे ड्रोन वगैरह तो उड़ाते रहते हैं लेकिन ख़ुद बैठ के जहाज़ में कैसा लगता है आइलैंड और कैसा एक्सपीरियंस है इसका आज सिकंदर पाजी के साथ और शील पाजी के साथ हम जो है वो अपना शेयर करेंगे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और ये है कि मज़ा आने वाला है भाई मज़ा आने वाला है आप इन्जॉय करें ये देखें जहाज़ अभी धक्का देके निकाला जा रहा है सीमा से मैं भी थोड़ी सी हेल्प करूँगा यार इसमें रिवर्स गियर नहीं है अच्छा रिवर्स गियर नहीं है अब तो भाजी रक्षा में भी रिवर्स गियर आ गया है पता है आज हाँ है ना पहले रक्षा में रिवर्स गियर नहीं होता